शुभ प्रभातम। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे धातु के बारे में। आप लोग का अनेक मेनी मेनी प्रॉब्लम हुआ था धातु के बारे में, तो आज हम धातु के बारे में थोड़ा सा डाउट क्लियर करते हैं। कैसे धातु पढ़ना है, धातु क्या है, इस बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। देखिए, धातु धातु आप लोग पहले जान चुके हैं, धातु की मीन्स भार। भार को क्या बोलते हैं? धातु। और एक नाम है धातु। धातु और क्या है? क्रिया। धातु और क्या है? क्रिया। ये जो धातु है, धातु को जानना आवश्यक है। क्यों धातु को जानना पड़ेगा, कैसे जानना पड़ेगा, वो हम बता रहे। देखिए, धातु धातु का जो रूप होता है, धातु का जो प्रयोग किया जाता है, वो लौकार में। लौकार में, लौकार। लौकार क्या है? धातु का काल है। क्या काल है? जैसे क्या है? लौट काल, लौंग काल और लिटकार। ऐसे तरह 10 प्रकार लौकार होते हैं। 10 प्रकार लौकार से अंदर में टोटल 4 लौकार है, आपका सिलेबस में है। टोटल लौकार होते हैं 10, जिसको संस्कृत में कहते हैं दस लौकारा सुनती। कहाँ पर? संस्कृत व्याकरण में, ठीक है। दस लौकारा सुनती संस्कृत व्याकरण में, लेकिन आपका सिलेबस में 10 लौकार से अंदर में टोटल 4 इंक्लूडेड है। लॉर्ड लौकार, लॉर्ड लौकार और लिट और लॉन्ग, और एक है, वो है लोट। आपका सिलेबस में ये सिर्फ 4 लॉकर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आपके सिलेबस में है तो नजरअंदाज कीजिए। धातु, धातु मीन्स भार। भार, भार किसका कहेंगे ना, जिसके द्वारा कोई भी किसी भी कोई काम कर रहा है, ऐसे कोई अर्थ आते हैं तो उसको भार कहते हैं। लेकिन संस्कृत में उसको भार कहते हैं, लेकिन भार के साथ जब विभक्ति का जोग होगा तभी हम लोग वाक्य में प्रयोग कर सकेंगे। जब तक विभक्ति का प्रयोग धातु के साथ नहीं होगा तब तक वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकेंगे, ठीक है। विभक्ति क्या है, आपका पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, फिर भी आज थोड़ा सा धातु के साथ कैसे विभक्ति का आरोप होता है, कैसे विभक्ति का जोग होता है, वो हम लोग पढ़ाई करेंगे। देखिए देखिए, आप लोग का मैं बता चुके हूँ पिछले क्लास में, जो धातु धातु का आज थोड़ा सा एक लौकार सीखना पड़ेगा, अच्छी तरह सीखेंगे, ठीक है, अच्छी तरह। जैसे क्या है? लॉर्ड लौकार। लॉर्ड लौकार क्या है ना? लॉर्ड लौकार और कुछ नहीं है, जस्ट लॉर्ड लौकार वर्तमान काल में प्रयोग किया जाता है। वर्तमान काल में किसको प्रयोग किया जाता है? लॉर्ड लौकार को। जैसे लॉर्ड लौकार को इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट 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 को कहते हैं लॉर्ड लौकार। एक सेंटेंस को गठन करके करने के लिए जो जो लौकार का आवश्यक पड़ता है, उससे एक है लॉर्ड लौकार, उससे एक है लॉर्ड लौकार। लॉर्ड लौकार का रूप कैसे पढ़ना है वो हम बताते हैं, ठीक है। देखिए, लॉर्ड लौकार, लॉर्ड लौकार का ये ट्रिक है, वो हम बता चुके हैं, आपका किताब पर भी है, फिर भी हम इसमें ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं। देखिए, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, पुरुष मैं नहीं लिख रहा हूं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आप लोग जान चुके हैं प्रथम पुरुष को क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मध्यम पुरुष को और उत्तम पुरुष को, उत्तम पुरुष को क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। और थर्ड पर्सन जिसको इंग्लिश से कहते हैं, संस्कृत में अपोजिट होते हैं। फर्स्ट पर्सन याद हो जाएगा, फर्स्ट का मतलब है प्रथम, लेकिन संस्कृत में फर्स्ट का मतलब है
उत्तम पुरुष, और थर्ड पर्सन का मतलब होता है प्रथम पुरुष। इसका जो रूप होता है वो रूप कैसे होता है देखिए, एक वचनम द्विवचनम द्विवचनम और बहुवचनम और बहुवचनम। जो जो पुरुष होते हैं उस पुरुष को हम लोग तीन वचन में, टोटल तीन वचन में प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे प्रयोग करना पड़ेगा देखिए, कोई भी किसी भी धातु हो उसका एक ट्रिक है। जैसा क्या है, धातु के साथ ती तो अंति सी थो थो मी बस मस जो करने से ही उसका लॉर्ड लॉकर का रूप आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं वो हम लोग दिखेंगे। देखिए, धातु प्लस, ये प्रथम पुरुष का मैं कह रहा हूं, धातु प्लस ती, एक वचन का रूप होता है धातु प्लस ती। द्विवचन का रूप होता है धातु प्लस तो। बहुवचन का रूप होता है धातु प्लस अंति। उसी की तरह मध्यम पुरुष का भी कैसे होता है, मध्यम पुरुष का भी धातु प्लस सी। द्विवचन में क्या होता है, धातु प्लस थो के बाद में विसर्ग आता है द्विवचन में। बहुवचन में क्या होगा, धातु प्लस सिर्फ थ, इसके बाद विसर्ग नहीं होगा। बहुवचन का मध्यम पुरुष का रूप। इसमें जो हम लोग धातु लिख रहे हैं, इस धातु को हटाकर मूल जो धातु आप लोग का जो सिलेबस में है वो जस्ट यहाँ पर बैठने के बाद ही रूप आ जाएगा। देखिए, उत्तम पुरुष को एक वचन में क्या कहते हैं, देखिए, धातु प्लस मी, सिर्फ मी नहीं, सॉरी, धातु प्लस आमी। ये आकार को यहां पर विश्लेषित किया गया है। जब हम प्रयोग करेंगे कैसे आता है वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। उसी की तरह द्विवचन में क्या होता है, धातु प्लस आब, विसर्ग होगा। उसके बाद बहुवचन में क्या होगा, आमो। अब हम लोग देखेंगे, देखिए, मध्यम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसका रूप ऐसे होता है। सिर्फ ये सारी चीजों याद करने से जितने भी धातु है लॉर्ड लॉकर में आ जाएंगे। सिर्फ परस्मैपदी धातु ये याद करना, परस्मैपदी धातु। धातु दो प्रकार के होते हैं, परस्मैपदी धातु और आत्मनिपदी धातु। आपका सिलेबस में सिर्फ परस्मैपदी धातु का प्रयोग किया गया है, इसीलिए परस्मैपदी का जितने सारे धातु होते हैं उसका लॉर्ड लॉकर को ऐसे सिर्फ ती तो अंति सी थो थो आमी आबो आमो ये पढ़ने से ही आपका सारी परस्मैपदी धातु याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे देखिए, आपका सिलेबस में है गम धातु, गम धातु को सिर्फ गच्छ ये याद करना है। सिर्फ गम धातु का रूप कैसे होता है, गच्छ, ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, गच्छ। इसको याद करने से क्या हो जाएगा, देखिए, धातु को हम हटा देते हैं, यहां पर इसको हम लगा देते हैं। देखिए, गच्छ, सिर्फ गच्छ लिखना है और प्लस को हम हटा देते हैं, ती इसके साथ जग कर देते हैं। देखिए, प्रथम पुरुष का एकवचन रूप में आ गए है गच्छति, उसी की तरह इसमें भी गच्छ लिख देते हैं। देखिए, गच्छ गच्छ तो, सिर्फ ये याद करना है, ती तो अंति सी थो थो आमी आबो आमो। उसके पहले सिर्फ इस धातु को बैठाने से उसका रूप आ जाएंगे, क्लियर। देखिए, मैं फिर से बताता हूं, धातु के जगह में गच्छ, गच्छती, वो क्या होगा,
प्रथम पुरुषस्य एकवचनम रूपम डैश कॉल प्रथम पुरुषस्य एकवचनम रूपम द्विवचन रूपम क्या होगा गच्छत। उसी की तरह यहाँ पर गच्छ बहुवचन का क्या हो जाएगा गच्छन्ति। उसी की तरह सिर्फ गच्छ को इसके साथ जोग करना है आसानी से याद हो जाएगा। देखिए गच्छसि उसी तरह यहाँ पर गच्छ लिखने से क्या हो जाएगा गच्छथ। उसकी तरह एखाने यहाँ पर क्या होगा गच्छत। यहाँ पर भी देखिए गच्छ युक्त आमी गच्छ युक्त आमी है ये आकार को संक्षेप में शॉर्ट टर्म में ऐसे लिखते हैं सिर्फ ऐसे इंग्लिश के आई की तरह। कैसे होगा गच्छ प्लस आमी हो जाएगा गच्छामी गच्छा मी। उसी की तरह यहाँ पर हो जाएगा आबो प्लस गच्छो जो करने से हो जाएगा गच्छाब जो करने से क्या हो जाएगा गच्छाब गच्छाम। ठीक है बहुवचन में गच्छाम ये हो गया है सीखने की याद करने की ट्रिक। सिर्फ ती तो उन्ती सी थो थो आमी आबो आमो ये सिर्फ याद करना है। देखिए गम के प्लेस में हम दूसरे धातु लेते हैं लीक धातु लेते हैं लीक धातु लेते हैं। लीक धातु का मतलब लिखना। ठीक है लीक धातु उसकी लौट की एकवचन रूपम क्या होगा सिर्फ ये याद करना है ती तो उन्ती सिर्फ लीक को यहाँ पर प्रयोग करना है लिखो ती। देखिए लीक धातु को हम ले आए देखिए सिर्फ उसका रूप आ जाएगा लिखोती उसकी तरह द्विवचन में हो जाएगा लिखो तो उसकी तरह बहुवचन में आ जाएगा लिखंती। उसकी तरह मध्यम पुरुष में भी सिर्फ गच्छ को हटा देते हैं उसके प्लेस में लिख ये लिख देते हैं लिखोसी लिखो लिखा मी लिखा बो लिखा मो हम लिख को हटा देते हैं इसमें हम पॉट धातु का प्रवेश कर देते हैं। देखिए पॉट पॉट मीन्स पढ़ना। देखिए यहाँ पर सिर्फ पॉट को लिखना है पठती वो हो जाएगा वर्तमान काल का प्रथम पुरुषस्य एकवचनम रूपम। प्रथम पुरुष मीन्स यहाँ पर थर्ड पर्सन ये अच्छी तरह से याद करना। इंग्लिश में जो सारी चीज़ों थर्ड पर्सन में प्रयोग होते हैं वो सारी चीज़ों को हम लोग संस्कृत में प्रथम पुरुष कह लेते हैं। ठीक है देखिए पठती उसका द्विवचन रूपम हो जाएगा पठत बहुवचन का रूप हो जाएगा पठंती। उसकी तरह पठसी पठसी पठथ पठथ उसी की तरह यहाँ पर भी पठामी पठामी पठाबो पठाम पठामी पठामी पठाबो पठा मो कहाँ पर विसर्ग का प्रयोग किया गया है वो अच्छी तरह से याद करना। यहाँ पर द्विवचन का उत्तम पुरुष का द्विवचन में पठाबो विसर्ग है बहुवचन पर विसर्ग है और एक है मध्यम पुरुष का जो रूप होता है मध्यम पुरुष यहाँ पर पठथ यहाँ पर भी विसर्ग है और द्विवचन प्रथम पुरुष का भी विसर्ग होता है पठत्व। ये आप लोग का ये समझ में नहीं आ रहा है जे हम लोग धातु क्यों पढ़े इंग्लिश कितने अच्छे है सिर्फ दे आर गोइंग यू आर गोइंग सारी चीज़ में गोइंग ही लग जाता है तो इतने सारी क्यों पढ़ना है। पढ़ने का रूल आसान है ती तो उन्ती सी तो आमी आबो आमो ये पढ़ने से प्रेजेंट काल का जो रूप आ जाता है वो आ जाएंगे। ठीक है सारी चीज़ों से होगा। देखिए कैसे हम लोग अभी आप लोग जान चुके हैं कैसे पढ़ना है धातु को कैसे पढ़ना है। सिर्फ ये जो ट्रिक्स है ती तो उन्ती इसके साथ कोई भी धातु बिफोर दिस कॉल दिस विभक्ति दिस कॉल इज विभक्ति हम वाक्य में डायरेक्टली पद का प्रयोग नहीं कर सकते उसके साथ विभक्ति का जोग करना पड़ता है। विभक्ति जोग करने के बाद ही हम लोग वाक्य में प्रयोग करने
चाहते हैं, प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। श्री पठो उसके साथ ती विभक्ति का प्रयोग किया गया है, पठ उसके साथ तो विभक्ति का प्रयोग किया गया है, सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, थ विभक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रयोग होने से विभक्ति जोग करने के बाद ही हम वाक्य में प्रयोग कर सकेंगे विदाउट नथिंग। पठ श्री पठ, हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं स पठो, ऐसे नहीं होगा, स पठती उसके साथ विभक्ति का जोग करना पड़ेगा। देखिए हम ऐसे क्यों पढ़े, ऐसे हम लोग क्यों पढ़े, देखिए हम बताते हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष कहाँ पर होते हैं, अस्मत शब्द का प्रयोग, अस्मत जिसका होता है हम लोग, आई, ये सारी चीजें हो जाता है उत्तम पुरुष में। देखिए आई एम गोइंग, इस वाक्य को देखिए, ये कौन सा पुरुष में है, ये है उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर आई का मतलब अस्मत् शब्द का जो रूप होता है एकवचन अहम। देखिए अहम गोइंग, गम धातु का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए उत्तम पुरुष का जो प्रयोग है वो एकवचन में है, वो एकवचन में है, सिंगुलर नंबर एकवचन में है, इसीलिए यहाँ पर एकवचन का रूप किया गया है अहम। उसके बाद धातु, एक क्या है धातु, धातु मीन्स भार, एक क्या है भार। आप लोग यहाँ पर नजरअंदाज कीजिए, एक संस्कृत में जब सेंटेंस का निर्माण करेंगे तो कुछ चीजों का ध्यान और आवश्यक है, क्या है, फास्ट नजरअंदाज करना पड़ेगा सेंटेंस में। कर्ता कौन है, कर्ता कौन है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है और कौन सा नंबर में है, सिंगुलर या प्लूरल और ड्यूअल, कौन सा उसकी नंबर से धातु का भी एक्सचेंज होता है, धातु का भी परिवर्तन किया जाता है, नहीं तो नहीं होगा। देखिए अहम गच्छामि, यहाँ पर देखिए अहम गच्छामि उत्तम पुरुष उसका एकवचन रूपम, क्यों एकवचन रूपम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कर्ता है उत्तम पुरुष में, उसीलिए उत्तम पुरुष का एकवचन में हम लोग प्रयोग किया गया है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए द्विवचन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए वो मध्यम पुरुष का एग्जाम्पल दे रहे थे, द टू ऑफ अस आर गोइंग। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कौन सा नंबर में है, ड्यूअल नंबर में, द टू ऑफ अस। इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट द्विवचन तो क्या होगा ना, अस्मत् शब्द का प्रथम आया द्विवचन रूपम क्या है, अहम, वो है एकवचन अहम, आवाम का मतलब क्या होता है, द टू ऑफ अस। देखिए यहाँ पर ये अच्छी तरह से याद हो गया है आई एम गोइंग, इसीलिए यहाँ पर हो गया है अहम गच्छामि, नहीं तो आप इस वाक्य को यहाँ पर नहीं प्रयोग कर सकेंगे इस सेंटेंस को। देखिए द टू ऑफ अस आर गोइंग, नंबर ऑफ टू, हम लोग टू, तो क्या होगा अहम आवाम, यहां पर क्या होगा आवाम, आवाम क्या होगा, गच्छामि नहीं होगा, ये है कर्ता, कर्ता मीन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा पुरुष में है वो पहले ध्यान देना पड़ेगा,
कौन सा पुरुष में पुरुष है, कौन सा पुरुष में पहले नजरअंदाज कीजिए, उसके बाद जिस पुरुष का प्रयोग किया गया है वो कौन सा नंबर में है, उस नंबर और पुरुष का अनुसार ही धातु का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए आबांग आबांग गच्छा बो, उत्तम पुरुष का द्विवचनम रूपम गच्छा बो। क्यों यहाँ पर गच्छा पो हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट उत्तम पुरुष में है, इसलिए उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में थ्री रूप होते हैं, क्या क्या, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसीलिए यहाँ पर देखिए द्विवचन में प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर गच्छा बो, ठीक है। उसी की तरह देखिए, उसी की तरह देखिए बहुवचन में क्या होता है, मैनी मैनी ऑफ आस, मैनी ऑफ आस आर गोइंग, मैनी ऑफ आस आर गोइंग। यहां पर देखिए मैनी ऑफ आस यहां पर हो गया है बहुवचन, ये कौन सा पर्सन में है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन मीन्स उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक वचन भी नहीं, द्विवचन भी नहीं, यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इसीलिए अस्मत् शब्द का जो बहुवचन रूप होता है वयम, वयम, अहम आवाम वयम, वयम। उसके बाद जो धातु का इंग्लिश में देखिए गोइंग, सब वचन को प्रयोग किया गया है, आई एम गोइंग, बोथ ऑफ यू आर गोइंग, मेनी ऑफ अस आर गोइंग, धातु एक है लेकिन संस्कृत में चेंजिंग होता है। देखिए बोयंग बोयंग गच्छा मो, यहां पर गच्छामी भी नहीं हुआ, गच्छा बब वो भी नहीं हुआ, हुआ क्या हुआ है गच्छा मो। क्यों गच्छा मो ना, बोयंग ये जो पुरुष है, ये जो पर्सन है, उसका प्रयोग किया गया है बहुवचन में, ठीक है। बहुवचन का जो प्रयोग किया गया है उसीलिए यहां पर भी बहुवचन का प्रयोग किया गया है, क्या, कौन सा बहुवचन, धातु का, ठीक है। इसी तरह पढ़ना है, इसी तरह धीरे 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 करके पढ़ना है, इसी तरह ही हम लोग सेंटेंस को गठन कर सकेंगे, ठीक है। देखिए मेनी ऑफ अस आर गोइंग वयम गच्छामो, आई एम गोइंग, अहम गच्छामि, नजरअंदाज कीजिए गच्छामि, आई गच्छामि, आई गच्छामि, मेनी ऑफ अस गच्छामो, मेनी ऑफ अस आर गच्छामो। लेकिन बोथ ऑफ अर, बोथ ऑफ अस क्या होगा, तब हो जाएगा गच्छा बो, ओके। उसी की तरह मध्यम पुरुष कैसे कहते हैं, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन जैसे क्या है, जुष्मत शब्द, जुष्मत शब्द तुम लोग, तुम्हारा, ऐसे जो सारी चीजें होते हैं वो होते हैं मध्यम पुरुष के आधारित पर किया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसीलिए संस्कृत ग्रामर को साइंटिफिक लैंग्वेज कहता है, क्यों कहता है, देखिए गोइंग इंग्लिश में जितने भी पुरुष है तो गोइंग गोइंग ही होता है, यू आर गोइंग, दे आर गोइंग, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। संस्कृत का पर्सन फर्स्ट इंडिकेट किया जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा नंबर में है उसको याद करना पड़ेगा, उसके बाद याद करना पड़ेगा धातु का प्रयोग, धातु का जो रिलेशन है वो होता है कर्ता के अनुसार, कर्ता जिस पुरुष में होगा धातु का भी उसी पुरुष में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। देखिए ये अच्छी तरह से याद हो गया है, देखिए आप लोग का, और आज तो लॉर्ड लॉकर सीख गए हैं, तो दूसरे क्लास में थोड़ा सा और लॉकर बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो और क्लास में सब आलोचित किया जाएंगे, ठीक है, अभी तो समय हो गया है, ठीक है।